कि इस वीडियो में हम मेरे बच्चों आज की इस वीडियो में हम सिक्स क्लास के सेकेंड चैप्टर लेसन टू को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। वह लड़का जिसने अपना भूख को खो दिया, लॉस्ट कर खो गया। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। साम वाज अ रिच यंग मैन। साम एक रिच यंग मैन, अमीर घर का जवान लड़का है। साम वाज अ रिच यंग मैन व्हेन हिज फादर पास्ड अवे। व्हेन हिज उसका जो उसका पिता पास्ड अवे, मृत्यु हो जाता है, गुजर जाते हैं अर्ली, पास्ड अवे अर्ली, जल्द ही गुजर जाते हैं। ही बिकम द ओनर ऑफ ऑल हिज फादर हेड। जितनी भी फादर प्रॉपर्टी है उसका वो हेड बन जाता है, मालिक बन जाता है, ओनर बन जाता है। ही बिकम द ओनर ऑफ ऑल हिज फादर हेड। फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका वो क्या हो जाता है, ओनर, मालिक हो जाता है। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। अब उसको कोई तो कहने वाला नहीं है, लेकिन वह क्या होता है, वह स्टार्ट कर देता है लग्जरियस लाइफ, शान शौकत वाला जीवन जीने के लिए स्टार्ट कर देता है। कौन? तो शाम लग्जरियस लाइफ जीने के लिए शुरू। ही इज नाउ स्टार्टेड लिविंग लग्जरियस लाइफ। वह लग्जरियस लाइफ जीने के लिए स्टार्ट कर देता है। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। और वह हमेशा रिच फूड, अमीरों वाला खाना खाता और सारा दिन ले इन बेड ऑल डे, और सारा दिन बेड पर सोया रहता। एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। उसको कोई भी फूड टेस्टी नहीं लगने लगा, स्वादिष्ट नहीं लगने लगा। मंथ्स पास, अभी कुछ महीनों बीत गए। वन डे, एक दिन, इंस्पायर्ड ऑफ लेजीनेस, उसका इंस्पायर्ड ऑफ लेजीनेस एग्री टू टेक पार्ट ऑफ ए हन। ही वॉज अ नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट। वो कुछ महीनों बीत गए और वो एग्री टू द टेक पार्ट ऑफ ए हन, और कहीं वह घूमने के लिए जाने लगा। और ही वॉज अ नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंडिंग हिमसेल्फ। और वह शिकार के लिए निकल गया, जंगल की ओर शिकार के लिए जा रहा था। ही वॉज अ नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो उसे घोड़े चलाना तेजी से नहीं आता था, इसलिए राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लेजिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड। और वह उसे घोड़े चलाने, राइडिंग करने नहीं आता था, इसलिए वह अदर फ्रेंड और फ्रेंड से पीछे हो गया। हिमसेल्फ लेजिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, और फ्रेंड से क्या हो गया, पीछे हो गया। ही गोट लॉस्ट एंड वाटर्ड। ही गोट लॉस्ट एंड वंडर्ड। और वह उस जंगल में खो गया। और अवे इन द वुड्स सिक्स टू सेवन आवर फास्ट विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस। और वह छः सात घंटे इधर उधर घूमने के बाद, उसने इधर उधर राउंड करने के बाद, ही फेल टायर्ड एंड हंग्री, और वह फेल हो गया और थक गया और भूख लग गया उसको। सडनली ही सो ए प्रेजेंट हट। और सडनली अचानक उसने देखा एक किसान का पेजेंट हट, किसान की झोपड़ी। ही रोड अप टू इट इट एंड आस्क फॉर लिटिल फूड। और उसने घोड़े पर से उतरा, वह ही रोड अप टू इन एंड आस्क फॉर लिटिल फूड। और उसने घोड़े पर से उतरा और क्या हुआ, घोड़े पर से उतरा और उसे कुछ फूड मांगी, भोजन मांगे। और बोलता है, और पेजेंट बोलता है, किसान बोलता है कि आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, मेरे पास एक रोटी, ओनली रोटी एंड दाल है, एक रोटी और थोड़ा सा दाल है। सेड द पेजेंट,
प्रेजेंट का कहा, बोला बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, और कहता लेकिन आपका यहाँ पर स्वागत है। द यंग यंग मैन वाज वेरी हंग्री, और वह यंग मैन जवान लड़का था, यंग जवान आदमी, वो बहुत हंग्री था, भूखा था। ही रियली लव्ड लव्ड फूड, और वह उसने उस रोटी दाल को खाया और उसने उसको वह अच्छा लगना। ही लाइक इन मोर मोर देन ऑल रिच फूड ही हैज बीन ईटिंग अर्लियर, और उससे जितना भी रिच भोजन, रिच वाला खाया, अमीरों वाला खाना खाया, उससे यह रोटी दाल बहुत ही अच्छा लगा। ही थैंक्स द पेजेंट हु ऑल्सो गिव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिम हिज होम। ही गोट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड। उसके बाद उसको वह जंगल के से घर जाने का डायरेक्शन, दिशा बता देता है वो पेजेंट किसान, और वह क्या था, रिटर्न हो जाता है घर, और वह रेस्ट करता है। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वे, और उसके बाद वह लेजीनेस और भूल जाता है फूड अगेन अगेन टेस्टलेस। ही वांटेड व्हेन व्हाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस, कहता उसको क्यों फिर से टेस्टलेस लगने लगा रोटी दाल से, वह आश्चर्य करने लगा कि वंडर्ड Why the simple दाल रोटी tasted so nice, क्यों उसको अच्छा लग गया रोटी दाल, उसने आश्चर्य किया। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही, तो हम 6 से या क्लास 3 या 3 से 10 तक में आपको जो वीडियो पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली हम क्लास 3 या 2 से 10 तक के बीच में वीडियो बनाते हैं, उसे देखें, सीखें, और मुझे आशा होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।